Good evening, everyone. Welcome to today's class. I hope you are all doing very well. Hello, Jairam. Hello, Amit. Hello, Vishal. Hello, Saurabh. Good evening. Welcome to the class. Asha, guys, ek baar please bata do, audio video sabko clear aa raha hai? Koi lag to nahi aa raha kisi ko? And also, can you see the annotations in red? I hope annotations are visible in red. So, aaj ke class mein hum log discuss karenge about Indian pottery. तो नितिन सिंघानिया का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट वी विल बी फिनिशिंग ऑफ टुडे, ठीक है. इसके साथ साथ आई हैव नॉट जस्ट इंडियन पॉटरी बट सम एमसीक्यूज एज वेल जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है. सो इट विल बी अ क्लास मिक्स ऑफ एमसीक्यूज प्लस द इंडियन पॉटरी वाला पार्ट जितना भी रह गया था. सो वी आर थ्रू विद द एंटायर स्कल्पचर एंड वी आर थ्रू विद द एंटायर आर्किटेक्चर, ओके. सो आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, किस तरीके से पॉटरी इवॉल्व हुई, पॉटरी होती क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेम, फॉलोड बाय एवोल्यूशन ऑफ पॉटरी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन टिल द लेटर वैदिक एजेस में किस तरीके से पॉटरी का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो हैव अ स्मॉल एमसीक्यू, कुछ चार से पांच एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन सो दैट यू गाइस गेट अ क्लैरिटी कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ओवरऑल कौन से चीजें अभी तक हमने जितना सीखा चैप्टर वन से वेर इन ऑन वेर आर वी स्टार्टिंग ऑन द पार्ट, ठीक है. अच्छा श्योर विशाल, आई हेल्प यू विद द सेम ऑल्सो कि हाउ टू हेल्प विद दैट टाइम एंड फिटनेस में क्या क्या कर सकते हो. सो रादर देन सी आई डोंट थिंक अभी इस टाइम वेट पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, रादर जस्ट गो फॉर अ 30 मिनट यू नो फिजिकल वॉक, गो फॉर अ वॉक और समथिंग दैट विल हेल्प यू ताकि हेल्थ वाइज यूर एटलीस्ट हेल्दी, ठीक है. ओके अमित, ऑन दैट पार्ट आई रियली डू नॉट हैव ऑप्शनल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई टीच पॉलिटी, दैट इज माई ऑप्शनल PSIR, ठीक है. उसमें मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ. हेलो राधिका, हेलो यूजर आईडी UPSC एस्पिरेंट, वेलकम टू द क्लास, ठीक है. सो बिफोर आई बिगिन टूडेज क्लास जस्ट अ वेरी वेरी क्विक रिमाइंडर, नहीं थोड़े से डिफरेंट है, दैट वॉज जस्ट 10 लेक्चर्स हुआ ना, दैट वॉज आप उसको समझ सकते हो लाइक अ शॉर्टर वर्जन ऑफ दीज लेक्चर्स. ये पूरा चैप्टर है, उसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे, वो शॉर्टर वर्जन है, उसी में आई एम एडिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टू दोज ओनली, ठीक है. हेलो हितेश, हेलो नागेंद्र, गुड इवनिंग. हेलो अतुल, हेलो अर्पित, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. Now, coming to the next part, before I move ahead, just a quick reminder about the new batches that we are starting from today. राहुल एक बार तो पढ़नी पड़ेगी, गिव इट वन रीडिंग, बाकी का जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां से कवर हो जाएगा. कौन सा पार्ट है मैं उसमें हेल्प कर दूंगी, ठीक है. अमित वो लक्ष्मीकांत इज कम्प्लीटली फिनिश, उसमें सारे चैप्टर्स मैंने करवा दी, वो एक बार पूरा पढ़ लो, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. रफली 50 या 55 सेशन है उसमें, वो एक्चुअली 100 डे से पहले ही खत्म हो गई. द रीजन बींग कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने उसमें एक साथ कंबाइन करके लिया है, तो वो सेपरेट नहीं कराए, इसीलिए उसमें आपको सारा क्रक्स मिल जाएगा, पूरी लक्ष्मीकांत बुक इज देयर. सो ये मत समझो कि कुछ टॉपिक छोड़ा है मैंने, एक एक चीज उसमें मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है. ओके क्लास आज रफली वही आई हूँ 40-45 मिनट्स की होगी जितनी हमारी रेगुलर क्लासेस होती है, ठीक है. ओके विशाल मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर दो किस चीज से रिलेटेड आप पूछ रहे हो. अच्छा मैं अमित वो एक बार चेक कर दूंगी आज कि कौन से लेक्चर्स रह गए हैं ना, मैं वो वाला एक बार देख लूंगी कि 25 वीडियोज ही क्यों आ रहे हैं, बाकी के लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे उसमें. हेलो मोनालिसा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. नाउ कमिंग टू द पार्ट बिफोर आई बिगिन, हमारा 2 ईयर का बैच प्रोग्राम आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th of April, वेर इन वी हैव द बायलिंगुअल एंड द इंग्लिश लैंग्वेज बैचेस, जहां पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा प्रीलिम्स एंड मेंस का, फॉलोड बाय लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड एनसीईआरटी एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. सिमिलर लाइंस पे हम लोगों का 2021 का भी कोर्स है, वेर इन हम लोग 3500 एमसीक्यूज के थ्रू रिविजन करवा रहे हैं पूरे के पूरे कोर्स का, एंड PYQs भी इसमें डिस्कस होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर द 1 ईयर बैचेस इंग्लिश और बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में, जो कि 7th of April से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर 2022 एस्पिरेंट्स. ओके हेलो अभिषेक, कित्सिया, सुहाना, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. दिस इज द 5th लेक्चर टुडे दैट वी आर हैविंग सुल्तान. आज का जो सेशन है 5th लेसन है चैप्टर 1 का ही, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीजें पॉटरी से रिलेटेड है, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दैट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं पॉटरी की बात करूं कभी भी या सेरेमिक आर्ट की बात करूं, पॉटरी एंड सेरेमिक आर्ट इट इज द सेम थिंग, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉटरी और सेरेमिक आर्ट, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड ब्रिटल मटीरियल. नाउ हार्ड ब्रिटल मटीरियल कैसा होता है या किस तरीके से वर्क करता है, ये कोई ना कोई नॉन मेटालिक मिनरल होना चाहिए जो कि मोल्डिंग के थ्रू होता है. सो जब भी हम सेरेमिक की बात करते हैं, द फर्स्ट पार्ट दैट वी गेट इन टू आर हेड इज सेरेमिक्स इज रिलेटेड टू क्ले, ठीक है. जो वेट क्ले होता है जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उसको हम किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, उसको मोल्ड करने के बाद हम लोगों को क्या क्लियर आइडिया मिलेगा कि भाई सेरेमिक को हमने मोल्ड कर दिया, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे पकाया गया,
क्ले, पोर्सलिन, स्टियाटाइट, ये सारी चीज़ें आपका सेरेमिक या पॉटरी का पार्ट बनती हैं। ठीक है, पॉटरी सबको समझ आए होता क्या है? तो पॉटरी इज नथिंग बट जो हम लोग छोटे छोटे वो मटके हो गए या इस तरीके की चीज़ें पहले ज़मानों में जो यूज़ की जाती थी, अब तो वी हैव गॉटन एल्यूमिनियम, स्टील, दुनिया भर के हम लोगों के पास फैंसी मटीरियल्स आ गए हैं रिलेटेड टू कुकिंग यूटेंसिल्स, बट पहले मिट्टी के कांसे और मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे फॉर कुकिंग एंड एवरी अदर पर्पज, फॉर यू नो स्टोरिंग थिंग्स, स्टोरिंग ग्रेन्स, एवरीथिंग। उसी चीज़ को पॉटरी बोलते थे बिकॉज ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट यूज टू बी डन ब्यूटिफुली, उस पर डेकोरेशन बहुत ब्यूटिफुल होती थी। तो अभी भी अब जैसे गर्मियाँ आ रही हो, कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आधी भारत की जनता ने तो अब फ्रिज का पानी पीना बंद कर देना है, उन्होंने घड़े लेकर आने। तो अब आप जब घड़े लेने जाओगे, घड़ों पर आप देखोगे अलग अलग तरीके से जिस तरीके से उस पर ब्यूटिफुल डिजाइंस बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जिसपे उस पर कलरिंग करी जाती है, दैट इज नथिंग बट पॉटरी, और पॉटरी को किस तरीके से सजाया जा रहा है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया एक बार मेरे को बता दो। एब्सोल्युटली जयराम, इसको हम सबसे सॉफ्ट मटेरियल के साथ यूज़ करते हैं, जितना भी हम लोगों का अवेलेबल टॉप सॉइल होता है उसी को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो मिट्टी बहुत चिकनी होती है। ठीक है, अच्छा तारा की बात कर रहे हो विशाल, ओके। सो तारा वॉज, जब हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था, रिमेंबर करो बुद्धिज्म, वज्रायन बुद्धिज्म में जब फीमेल डेटीज की प्रेयर होने लगी थी तो तारा वॉज अ फीमेल मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वन ऑफ द फीमेल डेटीज जिसकी पूजा की जा रही थी। एंड यूजर आई डी डिस्ट्रक्शन, सर इसमें वुड नहीं यूज होता, इसमें यूजली हम यूज करते हैं क्ले, पोर्सिलिन और स्टियाटाइट। क्यों? क्योंकि इस मटीरियल को पकाया जाता है शेप देने के बाद। वुड को अगर पकाओगे तो लकड़ी जल जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे पीपल पॉटरी को किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? स्टोर, कुक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और अलग अलग आर्टिस्टिक क्रिएटिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे। अब पॉटरी दो तरीके की होती थी, एक होती थी हैंडमेड, एक होती थी व्हील थ्रोन। ठीक है, हैंडमेड पॉटरी क्या होती थी? ये था ज़्यादा प्रिमिटिव स्टाइल, ज़्यादा पुराना स्टाइल अर्ली एजेस में। उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब व्हील आने लगा, उसके बाद व्हील को घुमाया जाने लगा जिस पर पॉटरी बनाई जाने लगी। इन द इनिशियल फेजेस लोग अपने हाथ से ही पॉटरी को बनाते थे, उसको मोल्ड करते थे और अलग अलग शेप्स और साइजेस की बनाते थे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई पार्ट नहीं समझ आया? एब्सोल्युटली, मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था हितेश की, उपेंद्र सिंह जो बुक है उसका जो फ्रंट कवर है दैट इज द इमेज ऑफ तारा। ठीक है विशाल, आपके घर में नहीं, हिंदुस्तान के हर घर में अब मटके ही यूज होते हैं ठंडे पानी के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्पेशल पार्ट ऑफ स्टियाटाइट, जैसे हम लोग इंडस वैली की जब भी बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम दो चीज़ों की बात हमेशा प्रोमिनेंटली करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है, एक तो ये पशुपतिनाथ सील, ठीक है, और एक होता है नॉट जस्ट द पशुपतिनाथ सील, उसके अलावा जितने भी सील्स मिले हैं और जो बियर्डेड स्कल्पचर्स मिले हैं या बियर्डेड स्टियाटाइट मैन मिला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, स्टियाटाइट इज नथिंग बट जो रिवर बेड होता है ना उसके पास का जो मिट्टी होती है उसको स्टियाटाइट बोलते हैं, और ये लोग उस मिट्टी को यूज करके सील्स बनाते थे, उस मिट्टी को यूज करके इस तरीके के पोर्ट्रेट्स और पॉटरी बनाते थे। ठीक है, जो पशुपतिनाथ सील देखोगे उसमें एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगरीन जहां पे वो जो प्राणी है वो योगा के पोस्चर में बैठा हुआ है। उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कौन से एनिमल्स दिए हुए हैं, ये जो एनिमल्स हैं चार दिशाओं में देख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प, या आप बोल सकते हो दे आर लुकिंग ओवर अर्थ फ्रॉम फोर डायरेक्शंस एंड गिविंग इट प्रोटेक्शन। तो ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर था इंडस वैली का। ठीक है, स्टेटाइट का मतलब सैंड, आई वुड नॉट से सुल्तान, स्टेटाइट को ऐसे मान के चलो जो रिवर बेड के बगल की मिट्टी होती है वो, ठीक है, या रिवर बेड के पास की मिट्टी जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, काफी ज्यादा चिकनी और गीली होती है। ठीक है, उसको आप आराम से मोल्ड कर सकते हो। क्लियर, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत यहां तक? अच्छा चंद्रानी, कोई दिक्कत नहीं, आप आज वाला क्लास देख लो, बाय द एंड ऑफ द डे आज जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना मैं प्लेलिस्ट भी फॉर्म करवा दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो गया? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन। नाउ कमिंग टू द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉटरी, पॉटरी स्टार्ट कहाँ से हुई बनना, किस किस तरीके से बनना स्टार्ट हुई। सबसे पहला इसका जो हमको इफेक्ट देखने को मिला दैट वॉज इन द न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक एज में हमको सबसे पहले पॉटरी देखने को मिली, स्पेशली किस तरीके से एवोल्यूट हुई पॉटरी। ये जो पॉटरी थी ये हैंडमेड थी और बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी। इस टाइम आग का यूज होता था विद हैंडमेड पॉटरी, व्हील का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे अनग्लेज्ड और अनबर्निश्ड पॉटरी होती थी जिसका सरफेस बहुत रफ होता था। रफ सरफेस का मतलब खुरदुरा सरफेस। अगर आप कभी भी अभी की पॉटरी को देखोगे, घड़े को देखोगे, उस पर हाथ फेरोगे, इट इज़ वेरी सटल, इट इज़ वेरी क्लीन। ठीक है, अगर घड़ा खुरदुरा होता है या पॉटरी इज नॉट डन वेल, अगर यू नो इट हैज़ नॉट बीन मेड वेल, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो हाथों में ना लगती है। ठीक है,
सिमिलरली जो हम कलर होता था नियोलिथिक पॉटरी का, दैट वॉज कोर्स ग्रेन कलर, और मटेरियल में क्ले को मिक्स करते थे माइका या सैंड के साथ. ठीक है, ये वो पॉटरी थी जो एकदम सादी होती थी. इट डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ पेंटिंग, बहुत बोरिंग होती थी. इट वॉज सिंपल से बस घड़े या स्ट्रक्चर्स होते थे, छोटे छोटे बाउल्स होते थे, प्लेट्स बनाई जाती थी, और इस तरीके से बनाई जाती थी इसको टाई अप करने के लिए, जहाँ पे रिस्क जो राइस हस्क कॉर्ड्स होते हैं उसको इस पर दबाया जाता था वेट क्ले में डेकोरेशन के लिए. सो जो हम लोग बात करते हैं वेट राइस हस्क की, राइस हस्क होता है जो चावल की लंबे लंबे से दाने या वो नहीं बनाई जाती हैं, चावल के जो स्टिक्स रह जाती है एंड पार्ट में, उसको सुखा के उसको टाई अप करके उसकी रस्सी, और उस रस्सी को गीली मिट्टी पे लगाया जाता था फॉर डेकोरेशन, जो भी अलग अलग तरीके की शेप आ जाती थी. ठीक है, ये थ्रू आउट इंडिया फाउंड होती थी, स्पेशली बुर्जोहों में जहाँ पे कोर्स ग्रे पॉटरी सबसे फेमस थी, और इसमें ब्लैक बर्निश्ड वेयर आता था, ठीक है, ग्रे वेयर आता था, और मैट प्रेस्ड वेयर आता था. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पे हम अनग्लेज्ड या अनबर्निश्ड, किसका क्वेश्चन था, अर्पित. अर्पित, अनग्लेज्ड या अनबर्निश्ड का मतलब होता है नॉट प्रॉपरली फिनिश्ड. ठीक है, नो शाइन, इस पॉटरी में शाइन नहीं होती थी, हमेशा एक खुरदुरापन सा रहता था. जैसे बाकी कुछ कुछ पॉटरी देखोगे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इट वॉज ब्यूटिफुल, मतलब इतना चमकती थी कि देख के लगता था कि यार दे हैव डन सम ब्यूटिफुल वर्क विथ क्ले, इन्होंने कोई ना कोई ऐसा मटीरियल ऐड करा है जिससे शाइन आ रही है. ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नियोलिथिक पॉटरी में होता था कि खुरदरी होती थी, शाइन नहीं होती थी, स्ट्रक्चर्स बहुत डल से होते थे. कोर्स ग्रे का मतलब होता है भावे ग्रे कलर की खुरदरी जो होती है. ठीक है, नहीं हितेश, अध पके नहीं बोलेंगे, अध पके से मतलब ऐसा समझो कि पक तो वो जाता था बट इट डिड नॉट हैव अ ब्यूटिफुल आउटलुक, दैट वॉज द बिगेस्ट इशू. ठीक है, तो अगर इमेजेस देखो, जैसे अब यहाँ पे देखो मैंने सेकेंड यहाँ पे जितना भी ब्लैक रेड वेयर अब हम आगे पढ़ेंगे और उसके इमेजेस देखोगे न्योलिथिक पीरियड में भी किस तरीके से आता था, एकदम बुरी तरीके से. ये देखो मतलब यहाँ पे आपको देख के भी लगेगा कितना खुरदुरा सा स्ट्रक्चर है ये, कोई फिनिश नहीं आ रही है, एग्जैक्टली लेस फिनिशिंग, एक ये वाला हैंडल बड़ा है, ये वाला हैंडल छोटा है, तो हैंडल्स भी प्रॉपर शेप में नहीं है, इसका शेप कुछ भी बना के दिया हुआ है उस तरीके से, नो प्रॉपर फिनिशिंग ऐसा समझो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द चालकोलिथिक पीरियड. चालकोलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो एज आई, अब ये थी मेटल एज. मेटल एज थी तो यहाँ पे प्रॉपरली पकाया जाता था, ठीक है, ग्लेज बहुत अच्छी आती थी, फिनिशिंग बहुत प्रॉपरली आती थी, और साथ ही साथ में आहार कल्चर हो गया, मालवा कल्चर हो गया, जोरवे कल्चर हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता था. बिकॉज चालकोलिथिक कल्चर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट था, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालकोलिथिक कल्चर का था, यहाँ पे जो पॉटरी थी दैट स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कलर. हमने जो ग्रे वेयर देखा यहाँ पे, ये बोरिंग सा ग्रे वेयर था नियोलिथिक एज में, जिसमें ज्यादा फिनिश नहीं आती थी, पहला चीज. दूसरा चीज, इट वॉज नॉट ऑफ अ वेरी गुड शेप, मतलब अगर आप ये वाला फिगर देखो कुछ नहीं है, बस एक हार्ड मास है, एक पत्थर है सिलबट्टे जैसा, और उस सिल की कोई भी शेप है. हमारे घरों में जो सिलबट्टे होते हैं प्रॉपर शेप के होते हैं, मतलब जहाँ पे अगर किसी ने सिलबट्टा अपने गांव में या कहीं देखा है, इस तरीके का सिलबट्टा होता है, एंड यू नो मोर्टार और पेसल्स या कुछ भी होता है वो प्रॉपर शेप का होता है किसी ना किसी तरीके से, तो बहुत कोर्स होता है. ठीक है, बट यहाँ पे इट इज ऑफ एनी शेप दैट इज कमिंग, सो दैट वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर. फिर जब हम चारकोलिथिक कल्चर पे आए, क्योंकि मेटल धीरे धीरे डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया था, ब्रॉन्ज कॉपर ये प्रोमिनेंस में आने लगे थे, सिंस प्रोमिनेंस स्टार्टेड कमिंग, सिंस ये कॉपर स्टार्टेड कमिंग इन प्रोमिनेंस, खेतरी माइंस का यूज किया जाने लगा था. सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आई, सबसे बड़ा जो हम लोगों को प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिला कि ब्यूटिफाई होने लगी थी पेंटिंग्स. ठीक है, पेंटिंग्स दे डिड नॉट जस्ट स्टार्ट गेटिंग ब्यूटिफाइड, बट पेंटिंग्स बहुत क्लीन होने लगी थी. ठीक है, जैसे हम ब्लैक और रेड वेयर की बात करेंगे, यहाँ पे आहार और बानस कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया, किस तरीके से ब्लैक और रेड वेयर में लीनियर डिजाइन बनने लगे व्हाइट कलर से, सो दे स्टार्टेड डेकोरेटिंग द ब्लैक एंड रेड वेयर. ठीक है, जोरवे कल्चर में हमने देखा ब्लैक पॉटरी पे रेड से वर्क आने लगा और मैट फिनिश दी जाने लगी, और एक वॉश के साथ खत्म करते थे ताकि कोर्सनेस चली जाए. ठीक है, कमिंग टू ऑकर कलर, ऑकर कलर होता था जो लाल गेरुआ सा कलर होता है वो वाला, और उस कलर में हमको कॉपर होट कल्चर गंगा वैली में मिला, अपर गैंजेटिक वैली में, गंगा यमुना दुआब में मिला, जोधपुर में, अतरंजी खेरा में, मेजर साइट से हमको मिले. ठीक है, विशाल मैं अभी आयरन पे आई नहीं हूँ, अभी मैं आयरन पे आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉपर की बात कर रही हूँ. आयरन तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, चालकोलिथिक एज में हो यार, अभी कहाँ से आयरन आ जाएगा, अभी हम सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो लोग सिलबट्टा पूछ रहे थे, यार गांव में होता था पहले ना, मिक्सर्स नहीं होते थे, एक दो दो पत्थरों के बीच में मसाले रख के पीसे जाते थे और कूटे जाते थे, दैट वॉज कॉल्ड अ सिल. अब मेरे को नहीं पता हर अलग अलग कल्चर में शायद उसका अलग नाम होता होगा, लाइक यूपी साइड में उसको सिलबट्टा बोलते हैं यार, तो आई डोंट नो बाकी जगहों पर क्या बोलते हैं. ठीक है,
नाउ कमिंग टू द एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर, तो ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर था ये किस किस एरिया में मिला, इट वॉज इन दीज प्लेसेस, जितना हम लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है ये सारे एरियाज, जैसे क्वेटा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, इन सारी एरियाज में हम लोगों को ब्लैक और रेड बेयर मिला। इन सारे प्रोमिनेंट एरियाज में हमको देखने को मिला किस तरीके से ब्लैक और रेड बेयर प्रोमिनेंस में आया। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे ब्लैक और रेड बेयर किस तरीके से दिखता है। सो ये हुआ आपका ब्लैक और रेड बेयर, ठीक है, दिस इज ब्लैक एंड रेड बेयर प्रोमिनेंट वाला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से पूरा या रेड कलर से पूरा बनाया जाएगा। दूसरा आया जोरवे पॉटरी, ये हुआ आपका जोरवे पॉटरी, ये सेकेंड वाला इस जोरवे पॉटरी जिसको बोलते हैं ब्लैक ऑन रेड। ठीक है, जोरवे पॉटरी का ब्लैक ऑन रेड का क्या मतलब है, अब इसमें देख के समझो उससे क्लियर होगा। ये पूरा रेड कलर का है बट इस पे ये जो डिजाइंस बनाए गए हैं ये काले रंग के हैं, तो लाल के ऊपर काला, ब्लैक ऑन रेड इज जोरवे कल्चर। ठीक है, ये समझ आया डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? हाँ, तो अर्पित ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी में और जो जोरवे कल्चर उसमें फर्क क्या होता है, ब्लैक और रेड वेयर में ब्लैक अलग रेड अलग, ठीक है, और जोरवे पॉटरी में लाल से पूरा बनाने के बाद जो डिजाइनिंग वर्क होगा वो ब्लैक से किया जाएगा, ये समझ आ गया। फिर आई ओकर कलर्ड पॉटरी, यानी जो गेरुआ रंग होता है उस ओकर कलर्ड में इसको बनाया गया, और ये ना सिर्फ लाल रंग नहीं होता, इट इज ऑरेंजिश कलर, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है, तो रेड से लेकर ऑरेंज कलर के बीच में ये कुछ रहता है, इसीलिए मैंने टर्म ही यूज करा गेरुआ। हमेशा वो शाहरुख खान वाले सॉन्ग से याद रहेगा, गेरुआ जो सॉन्ग था उस टाइप का कलर होता है, और जब गेरुआ कलर पक जाता है ना वो इस टाइप का शेप ले लेता है। तो अभी भी देखो शेप्स बहुत प्रोमिनेंस में नहीं आए हैं, मटके हैं, कलसियां हैं, अलग अलग तरीकों के हम लोगों को शेप्स देखने को मिले हैं। ये सबको समझ आ गया चालकोलिथिक एज में किस तरीके से शेप्स आने लगे, और जो फिनिशिंग थी, अब ये देखो कंपेयर करो इसको न्योलिथिक एज से, यहाँ पे शेप्स कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं, शाइन कितना ब्यूटीफुल आ रहा है इन द पॉटरी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कहीं पे कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया, वहां पे आऊंगी भाविक, पेशेंस रखू, अभी तो मैं चालकोलिथिक पीरियड पे आई हूँ, अभी कैसे एनबीपीडब्ल्यू पे आ जाऊँ, थोड़ा पेशेंस रखो, आई कम टू दैट ऑल्सो। ब्लैक वेयर तक सबको समझ आ गया? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर हम पॉटरी की बात करें, पॉटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो ये जो रेड सर्फेस था इसको किस तरीके से ये लेकर आते थे, यहाँ पे ये फोकस करते थे पहले रेड सर्फेस को बनाएंगे फिर उसके ऊपर इस पे डिजाइनिंग लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमेशा पहले रेड सर्फेस को बनाया जाता था, और पॉटरी ना पॉलीक्रोम होती थी, मतलब दो कलर्स को यूज करा जाता था, तो जहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे पॉलीक्रोम, कहीं पे ये कॉन्सेप्ट सुनोगे पॉलीक्रोम का मतलब टू कलर्स आर बिंग यूज, विच वर द टू कलर्स दैट वी यूज, वी मोस्टली यूज रेड एंड ब्लैक कलर्स। सो वेन आई से वी आई मीन द अर्ली मैन, ठीक है, आई वी से मतलब ये नहीं कि मैं जाके वहां पे घड़े बनाती थी, इट्स ऑलवेज द अर्ली मैन। नाउ लुक एट द फिगर ओवर हियर, कभी भी मोनोक्रोम का एग्जाम्पल देखना है, मोनोक्रोम में हमेशा देखो ग्रे कलर पे ब्लैक से पेंटिंग है, या सेकेंड वाला देखो यहाँ पे रेड कलर पे ब्लैक से पूरे डिजाइन बना रखे हैं, एंड द काइंड ऑफ डिजाइन आर देयर फ्लोरल मोटिव्स बने हुए हैं, या फिर फौना, तो या तो फौना, फिशेज, एनिमल्स, जो एनिमल बना पाए वो बनता था, या फिर फ्लोरा इन इन दिस फॉर्म ऑफ फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते थे जो कि प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोग रंगोली जिसको बोलते हैं, या फिर काइंड ऑफ अरेबिक डिजाइन। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अरेबिया से या सेंट्रल एशिया से इंस्पायर्ड थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, नो, बट द डिजाइन दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस वर मोर और लेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ये समझ आया डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, यहां तक? अब जितनी भी पॉटरी होती थी वो बहुत यूटिलिटेरियन होती थी, यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज की जाती थी, और इसके बेस को फ्लैट रखा जाता था। फ्लैट बेस क्यों रखा जाता था, ताकि इसमें अगर कोई भी सामान भरा जाए तो वो नीचे से टूट ना जाए, तो हमेशा देखो इस तरीके का कोई ना कोई बेस लगाया जाता था, सो दैट इसमें हम एक कैपेसिटी तक सामान भर पाए और ये लेफ्ट राइट डोले नहीं। ठीक है, जैसे अगर मटके को बिना बेस के रखोगे, मटका अगर बिना बेस के रखोगे वो हमेशा गिरने का डर रहता है, लेफ्ट राइट डामाडोल होता रहता है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, किसका क्वेश्चन था अर्पित, यूटिलिटेरियन मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर कुकिंग, फॉर स्टोरिंग, फॉर यू नो सर्विंग लिकर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स को यूज किया जाता था, और साथ ही साथ में जो परफोरेटेड पॉटरी थी उसको लिकर को स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सिविलाइजेशन थी दैट एग्जिस्टेड या केम इन टू बींग, इस तरीके से वो बनने लगी कि इंडिविजुअल क्रिएटिविटी बहुत कम होने लगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों ने बोला कि भैया क्रिएटिव नहीं होते, हम सिंपल ग्लास प्लेट्स और जो बाउल्स होते हैं वो बना लेते हैं, स्टोरेज के लिए जो हमको सुराइयाँ या कलसे चाहिए होते हैं वो बना लेते हैं, क्रिएटिविटी जो सुंदरता हम दिखाते हैं पॉटरी में वो कम करते हैं। बिकॉज इस टाइम पर्पस ये आने लगा कि अगर हमारे पास 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों को आगे जितना पार्ट आएगा जहाँ पे दो
कलर्स देखोगे, दैट इज बाइक्रोम एंड पॉलीक्रोम, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया है। गाइज रिफ्रेश वंस, इट्स क्लियर नाउ। हाँ कमिंग टू योर क्वेश्चन भाविक, ये वाला जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है ना, दिस इज मोनोक्रोम, ठीक है। ये वाला मोनोक्रोम है, जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है, दिस इज मोनोक्रोम, क्योंकि सिंगल सिंगल कलर्स यूज हुए हैं, ये मोनोक्रोम है, ठीक है। और जब हम पॉलीक्रोम की बात करते हैं, ये वाले जो फिगर्स हैं, ये बाइक्रोम या पॉलीक्रोम है, ठीक है। अच्छा कमिंग टू द पार्ट जहाँ पे मैं ये समझा रही थी कि पॉटरी ओवर टाइम किस तरीके से इवॉल्व होने लगी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे सिविलाइजेशन फॉर्म होने लगी, आई थिंक समबडी हैड रिटन ऊपर, आई एम सो सॉरी, आई थिंक अमूल्य था या कोई था, मैं कॉमेंट्स मिस कर दिए मैंने, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि मास प्रोडक्शन के लिए पॉटरी प्रोड्यूस हो रही थी सोसाइटी के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों का इंटरेस्ट उस पार्ट से हट गया कि हमको ज़्यादा क्रिएटिव होना है, कि हमको सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ करनी है इन द वर्क, दैट वॉज नॉट हैपनिंग। रादर देवर फोकसिंग कि अगर 5,000 की पॉपुलेशन है तो हम 5,000 लोगों के लिए प्लेट्स और बाउल्स बना सकें, ठीक है। उसके बाद लग्जूरियस पॉटरी जो देखने को मिली, एक्जॉटिक पॉटरी, दैट मेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब जैसे जैसे जो लोग खर्च कर पाते थे, जिसके पास जैसा पैसा आया, उस बेसिस पे दे स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन पॉटरी। सेम हैपन्स अभी भी, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप रिच हो या थोड़े बहुत भी आपके पास पैसे आ जाते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज कि यू विल गेट गुड डिनर सेट्स। आप यू नो बोन चाइना या इस चीज़ इन टाइप की चीज़ों को यूज़ करोगे। या फिर डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है, घर में, वेर इन अपने घर में रोज़ आप स्टील के प्लेट्स में खाते हो, बट अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो जो भी आपके घर का बेस्ट डिनर सेट होता है, दैट इज़ टेकन आउट, ठीक है। सेम हैपन ड्यूरिंग दी प्रीवियस एजेस ऑल्सो, कि ब्यूटिफुल सेट्स वर मेड, ब्यूटिफुल डिज़ाइन ऑफ पॉटरी वर्क केम इन टू एक्सिस्टेंस, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया यहां पे, ठीक है, यहां तक क्लियर, परफेक्ट। उसके बाद आता है हरप्पा सिविलाइजेशन। अब हरप्पन पीरियड में, अब हमने न्योलिथिक देख लिया, चालकोलिथिक देख लिया, हाउ इट एग्जिस्टेड इन टू हरप्पन सिविलाइजेशन। सो जो मच्योर हरप्पा पीरियड था, वहां पे बर्निश्ड और पेंटेड पॉटरी आई, जहां पे स्पेशली बरियल पॉटरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि हरप्पन इस चीज में बिलीव करते थे। उनको लगता था आफ्टर लाइफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, उनको लगता था कि मरने के बाद भी देर इज अ लाइफ, ठीक है, जो कि पुराने सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बिलीव करती थी, कि तो जब भी लोग मर जाते थे, वो उनके साथ थोड़ा सा गेहूं, बार्ले, चावल, ये सारी चीजें एक एक अलग अलग बॉक्सेस में या बाउल्स में रख के, मतलब रख देते थे कि इनको आफ्टर लाइफ में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड देर इज अ वेरी प्रेवलेंट माइथोलॉजिकल स्टोरी, हर पुराण में होता है, ऑलमोस्ट थ्रू एवरी सिविलाइजेशन दैट हैज एग्जिस्टेड ऑन ह्यूमैनिटी, ये एक कॉन्सेप्ट रहता है, जहां पे वो लोग ना गोल्ड के कॉइन्स रखते थे, ताकि अगर आपको, देर इज अ गेट कीपर जो आपको पार ले जाएगा, आपको उसको वो गोल्ड के कॉइन्स देने पड़ेंगे लाइक अ टोकन मनी, ठीक है, तभी आप आफ्टर लाइफ में एंटर कर पाओगे, और जो भी बाकी का सामान भी आपको खाने पीने का, दैट इज सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट एंड ईट इट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों ने हरप्पन सिविलाइजेशन में देखा, स्पेशली द मच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। जो ग्रेव गुड्स होते थे, इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रादर दिखता था, मतलब पॉटरी जो नॉर्मल लोग अपने घरों में जिसमें खाना खाते थे, जिस चीज के लिए यूज करते थे, वो सिंपल सोबर थी, लेकिन अगर कोई मर गया है और आप रिच हो तो आपकी ब्यूटिफुल पॉटरी होगी, और अगर आप गरीब हो और मर गए हो तो ओकेश लॉट ऑफ पॉटरी होगी, नॉट वेरी लाइक यू नो नॉट वेरी एग्जॉटिक, देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पॉटरी है कि जिसमें इस आदमी को बरी किया गया है, या जिसमें इसके मरने का जो सामान है वो रखा गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया। बरियल पॉटरी होती है जो डेड पर्सन के साथ रखी जाती है। बरियल पॉटरी को ये मत समझना कि जिसमें आदमी की अस्थियां रखी जाती हैं, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्रिमेट भी करते थे और बरी भी करते थे। हमको जितने हरप्पन सिविलाइजेशन से रिमेन्स मिले, हमको ये पता लगा है बरियल पॉटरी का मतलब, जहां पे बार्ली, राइस और ये सारी चीजें रखी जाती थी। क्लियर यहां तक? उसके बाद लेटर हरप्पा पीरियड में स्पेशली ऑकर कलर पॉटरी, ब्लैक ग्रे बर्निश वेयर, ब्लैक ऑन रेड पेंटेड ग्रे वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर, ये हमको देखने को मिले। ऑकर कलर पॉटरी हमने पीछे देखी, ओसीपी जो गेरुए रंग की थी, जिसका इमेज यहाँ पे देख सकते हो। ब्लैक एंड ग्रे बर्निश वेयर था जो कि स्वाट वैली में फाउंड हुआ, और जहाँ पे सेंट्रल एशिया या ईरानियन प्लाट्यू का बहुत सारा रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिला, ठीक है।
एब्सोल्युटली, पॉटरी से हमेशा आदमी की हैसियत पता लगती थी कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वेदर ही वॉज रिच, वेदर ही वॉज पुअर, वेदर ही वॉज अ लॉर्ड, ही वॉज अ फ्यूडल लॉर्ड या आम आदमी था, ठीक है। देन कम्स द ब्लैक ऑन रेड पेंटेड वेयर, जहाँ पे व्हील टर्न पॉटरी है, ये भी स्वाट वैली में फाउंड हुई। एंड फाइनली केम द लास्ट पार्ट, ग्रे एंड पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी विच इज एसोसिएटेड विद वैदिक पीपल, जो कि हम कंजंक्शन में फाउंड करते हैं इन लेटर हरप्पन पीरियड। तो जितना भी ग्रे वेयर या PGW देखोगे, कहीं पे भी PGW पढ़ोगे, दैट इज द लेटर हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को? आई रिपीट इट, ओके। अतुल, वॉट पार्ट डिड यू नॉट गेट? एक बार मैंने से पूछो। स्वाट वैली इज भाविक द नॉर्थ ईस्ट फ्रंट, NWFP वाला जो पार्ट है पाकिस्तान का, जहाँ पे मैंने अभी वो इमेजेस दिखाई थी ना, ब्लैक रेड वेड जो मैंने सर्कल करा था मैप में, दैट इज द स्वाट वैली वाला पार्ट, ठीक है। एब्सोल्यूटली अमूल्य ऑन दैट पार्ट, आई एब्सोल्यूटली अग्री, इट इज प्रीस्ट्स वे ऑफ अर्निंग गुड, एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग दोज सिविलाइजेशन, आज भी द सेम प्रैक्टिस एग्जिस्ट आई थिंक। लाइक अगर आप मर जाते हैं तो चंदन की लकड़ी से आपको जलाया जाए, या नॉर्मल आम की लकड़ियाँ, पेड़ की लकड़ियाँ यूज की जाए, ऑल दोज थिंग्स दैट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन आज भी हमारी सोसाइटी में उतनी ही प्रेवलेंट है जितनी उस जमाने में थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, बिफोर आई मूव बाई टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, जिन बैचेस के बारे में मैंने बताया जो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, आप अगर 28 अप्रैल तक इनमें कोर्सेज में एनरोल करते हो, आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, यानी 31 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2023 तक। जस्ट यूज द कोड SHIBGLIVE एंड द ऑफर इज वैलिड ऑन ऑल द कोर्सेज, GS आइकॉनिक कॉम्बो एंड द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इस साल का जो कॉम्बैट है अगला संडे को होगा 11 अप्रैल को, लिंक कमेंट्स में ऑलरेडी पिन कर दिया है टीम ने, सो यूज इट एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हो। जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइफ फॉर फ्री एनरोलमेंट। नाउ कमिंग टू द वैदिक एरा, जहां पे पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी देखने को मिली, बहुत प्रोमिनेंस में देखने को मिली, ये वो पार्ट था जहां पे आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स एब्सेंट थे, जब हमने PGW की हमने बात करी, ठीक है। इसको हम प्री आयरन फेज बोल सकते हैं। तो कभी भी वैदिक एरा की पॉटरी की बात करोगे, दैट इज अ प्री आयरन फेज। जो लेटर वैदिक एरा था, दैट वॉज द आयरन फेज, ठीक है। यहां पे जितना भी लेटर वैदिक एरा था, हमेशा वहीं पे आयरन फेज कंसिडर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट PGW का ये था, ये गैंजेटिक प्लेन में देखने को मिली, घग्गर और हाकरा वैली में, और मथुरा में सबसे बड़ी PGW साइट्स हमारे को देखने को मिली है। यहां पे ग्रे कलर को बहुत यूज किया जाता था, ग्रे पॉटरी को बहुत यूज करा जाता था, और पैटर्न जो बनाए जाते थे वो ब्लैक में बनाए जाते थे, सो दैट दे आर एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। सो यहां पे अगर देखो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी को, यहां पे मैंने मार्क, इस मैप में साइट्स हैव बीन मार्क, जैसे वी हैव दिस एंटायर एरिया, ठीक है, वी हैव कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी, कन्नौज, अयोध्या, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, ठीक है, शीशपलगढ़, लोथल, फॉर दैट रीजन भागतर, इन सारे एरियाज में दिस होल बेल्ट, दिस बेल्ट कंसिस्टेड ऑफ दी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। और पेंटेड ग्रेवेयर इस तरीके का होता था, ग्रे कलर की पॉटरी, जिसमें देखो कुछ कुछ इंडेंटेशन अंदर, जो मार्किंग्स हैं अंदर, ये जो लाइन्स हैं, ये सब ब्लैक कलर से बनी है। अभी शायद हो सकता है वाइटी में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो आप लोगों को इमेज, वेन यू डाउनलोड द PDF, ये जो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी ना, जस्ट जूम इन टू अ बिट इन टू द इमेज, उससे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से ब्लैक कलर को यूज किया गया है, स्पेसिफिकली फॉर वेरियस डेंचर्स, फॉर वेरियस मार्किंग्स, अलग अलग डिजाइंस बनाई गई हैं यूजिंग द ब्लैक कलर, ठीक है। एंड हाँ, अर्पित, सीरियल का मतलब होता है अनाज। यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? एंड आशु, जब हम शाइनी ब्लैक की बात करते हैं, तो ग्रे इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेस कलर ग्रे था, सिर्फ डिजाइन उस पर काले रंग से होती है। सो हाउ डू यू पेंट? आप जब पेंटिंग करते हो, जो आप आउटलाइन देते हो, वो आप यूजुअली डार्क कलर से देते हो ना, सेम हैपेंड विद पॉटरी ऑल्सो। ग्रे कलर की बनाते थे, उस पर जो डिजाइनिंग देते थे, जो आर्टिफिकेशन या ब्यूटिफिकेशन करते थे, दैट वॉज विद ब्लैक कलर। यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया? User ID BS, the source of these all these PPTs is the Nitin Singhania book. I'm covering that book only. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? उसके अलावा जो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा, अपर गंगा वैलीज में हम लोगों को पॉटरी, जो पेंटेड ग्रेवेयर है, वो देखने को मिला। एंड यहाँ पे डिजाइनिंग आपने देख ली। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द एरा ऑफ लेटर वैदिक एरा, जहाँ पे NBPW मिला, जो कोई पूछ रहा था, आई हैव रियली फॉरगॉटन।
अच्छा, एब्सेंस ऑफ आयरन इन सीरियल का मतलब होता है अर्पित, जब भी हम वेदिक एरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियल्स नहीं रखे जाते थे, यहाँ पे जब पॉटरी होती थी उसको उसी टाइम पे हम राइस का ज्यादा यूज देखने को मिला था वेदिक एरा में एज कम्पेयर टू सीरियल्स, पहला पार्ट। आयरन अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। व्हाट केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज आयरन, कब एग्जिस्टेंस में आया? लेटर वेदिक एरा में, 6th सेंचुरी BC के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे जब हम सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तब हमको पता लगा कि आयरन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हम हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं, जहां पे ब्रॉन्ज का यूज देखने को मिला इन स्मॉल पीसेस। सेकेंड एरा ऑफ सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, दैट इज द वेदिक एज और द लेटर वेदिक एज, जहां पे हम लोगों को आयरन देखने को मिला, ठीक है। और इस पार्ट को हम मार्क करते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर से, तो NBPW वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, 6th सेंचुरी BC के अराउंड। एब्सोल्युटली राइट, 1000 से 600 BC के अराउंड। यहाँ पे फाइन फैब्रिक को यूज किया जाता था और टेबल वेयर बहुत प्रोमिनेंटली लोगों को सर्व किया जाता था। बहुत ब्यूटीफुल पॉटरीज यहाँ पे होती थी, डीलक्स पॉटरी होती थी, जिससे ये पता लगता था कि भाई सोसाइटी में अब डिफ्रेंसिएशन होने लगा है। अब हम लोगों के बेस्ड ऑन द वेदास, हम लोगों के जो डिविजन है, वी हैव सीन इन टू एग्जिस्टेंस किस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इसमें सोसाइटी डिवाइड हो गई है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि ब्राह्मण हेजमनी थी, बिकॉज ब्राह्मणिकल हेजमनी स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, हेंस पॉटरी भी इकोनॉमिकली स्ट्रेटिफाई होने लगी। सो वी कुड सी कि जो भी पॉटरी हम लोगों को ब्राह्मण्स के साथ मिलेगी वो बहुत डीलक्स होगी, बहुत एक्जॉटिक होगी। अगर कभी ब्लैक मार्केट में बेचने जाओगे उस पॉटरी को, बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉटरी ऐसी है जो कि थोड़े गरीब तबके को बिलोंग करती है, डिप्रेस क्लासेस को बिलोंग करती है, दैट माइट नॉट बी दैट वेल टू डू, उस पर डिजाइंस कम होंगे, बोरिंग सी होगी, सिंपल ब्लैक या ग्रे कलर में उसको बनाया जाएगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज ये कहाँ पे मिलने लगी थी पॉटरी, तो हमको मिली ये पॉटरीज महाजनपद एरा में, अहिछत्र, हस्तिनापुर और नवदटोली में। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया मोनोक्रोम पॉटरी का, कि एक ही कलर में पूरी पॉटरी बनाई जाती थी, लेकिन ये बनाई इस तरीके से जाती थी कि इट वॉज ब्यूटिफुल ब्लैक कलर पॉटरी, जिसमें ब्लैक ब्लू से डिजाइन दिए जाते थे, या पिंक गोल्डन ब्राउन, इन कलर्स को यूज करके जो फीचर्स होते हैं उसको मार्क किया जाता था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, जो पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आया एक बार फिर से पूछ लो, आई विल रिपीट इट अगेन। सो काइंड ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ पॉटरी दैट वॉज यूज। जब भी हम NBPW की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो किस तरीके से प्रॉपर ज्योमेट्री में मेंशन किया गया है, ठीक है। प्रॉपरली NBPW इज नदन ब्लैक पेंटेड वेयर, सयंतिका, नदन ब्लैक पेंटेड वेयर, बिकॉज दिस वॉज फाउंड इन द नदन पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नदन ब्लैक पॉलिश वेयर या पेंटेड वेयर, ठीक है। पॉलिश वेयर इसलिए बिकॉज दिस हैज अ काइंड ऑफ अ शीन, ये डल नहीं है, बहुत क्लियरली मेड है, ठीक है। बाइक्रोम हो गया दो कलर्स सुल्तान, पॉलीक्रोम हो गया दो से ज्यादा कलर्स। बाइक्रोम इज लाइक ब्लैक एंड ब्लू, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट या पिंक एंड व्हाइट। पॉलीक्रोम हो गया ब्लैक ब्लू रेड या रेड ब्लैक एंड व्हाइट, तीन कलर्स या दो से ज्यादा कलर्स इज पॉलीक्रोम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ नादन पॉलिशवेयर, अब ये देखो नादन पार्ट में हम लोगों को इस पूरे एरिया में ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे इस बेल्ट में यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर है, यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर है, यहाँ पे भी वी हैव ब्लैक एंड रेड वेयर, यहाँ पे भी ब्लैक एंड रेड वेयर। ये नदन पॉलिश ब्लैक वेयर इधर मिली, हरप्पन कल्चर यहाँ आया। सो इस मैप में देखो किस तरीके से अलग अलग जगह की जो पॉटरीज हैं वो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये काले रंग में ब्लैक कलर को यूज करके या ब्लैक जो मिट्टी होती है उसको यूज करके पॉटरी बनाई गई है, एंड द काइंड ऑफ डिजाइनिंग्स दैट यू कैन सी। अगर व्हेन यू डाउनलोड द PDF ना, यू विल सी द इंडेंटेशन की यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स के फॉर्म में इन्होंने ना नक्काशियां करी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आया मेगालिथिक एरा। मेगालिथिक एरा था जो 3rd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक रहा। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स देखने को मिले, मेगा मतलब बड़े स्टोन्स, ठीक है। मेगालिथ की हम जब भी बात करते हैं इट रेफर्स टू मॉन्यूमेंट्स जो कि बड़े पत्थरों के साथ कंस्ट्रक्ट हुए थे, स्पेसिफिकली जहाँ पे स्टोन ग्रेव्स देखने को मिली, और इस तरीके का यूज हमको साउथ में देखने को मिला, बिकॉज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया साउथ में आयरन इस टाइम पे यूज हो रहा था। जितना भी मेगालिथिक एरा में हमको पॉटरी देखने को मिली दैट वॉज वेल बेक, व्हील का बहुत यूज होता था, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लैक पेंटिंग में जहां पे किसी ना किसी तरीके से ग्रेव गुड्स जो थे ये बहुत यूज होते थे। एंड हमको ये चीज देखने को मिली कि बिकॉज दीज पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, हेंस ये लोग ब्लैक कलर को पेंटिंग के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर देखो कितना मतलब कितना बोरिंग सा डल सा बनाया गया, लेकिन अगर कुछ कुछ इमेजेस पे जूम इन करोगे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर को यूज करा गया अलग अलग डिजाइन के लिए, ठीक है। सो ग्रेव ग्रेव गुड्स सेम यार, बरियल गुड्स की मरने के साथ जिन मटकों में सामान रखा जाएगा वो वाली चीजें, ठीक है, क्लियर हो गया।
डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया मेगालिथिक एरा से रिलेटेड एक बार प्लीज बता दो। सबको समझ आ गया? जितने अभी तक टाइप्स ऑफ पॉटरी पता है, ऑल क्लियर? येस नो एनीथिंग? क्विकली टेल मी। अच्छा रवि, गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक दो तो लोग मेरे को बोले कि शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट, चलो। सो दिस वाज द होल सेट। यहाँ पे पूरा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया इन 5 सेशंस। अब आई हैव अ सेट ऑफ 4 MCQs, लेट्स डू द MCQs। आई विल रन द क्वेश्चंस, आंसर फटाफट से करना, फिर उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? पीडीएफ का जो लोग पूछ रहे थे सेशन के बाद, टीम टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देगी और वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका रॉक शेल्टर केव्स, जो कि पेलियोलिथिक साइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केव स्ट्रक्चर्स। भीमबेटका कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, झारखंड, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन देख भी लिया था विशाल ने। अच्छा दैट इज वाई ही हैज बीन आंसरिंग MP तब से। सो सॉरी विशाल, आई मिस। सो विशाल इज आंसर MP, अर्पित इज आंसर MP, भाविक, हितेश, अक्षय, विशाल, सौरभ, सुल्तान, कित्सिया, एवरी वन इज आंसर MP। एब्सोल्युटली राइट गाइज, इट्स MP। सौरभ इज आंसर MP, पूजा, सैंतिका, अक्षय, आंसर MP। यप, MP इज द करेक्ट ऑप्शन। भीमबेटका रॉक शेल्टर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पेलियोलिथिक एरा की, जो कि ह्यूमन लाइफ को ट्रेस करती हैं, अर्लीस्ट ट्रेजेस हैं। दे आर लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नियर अब्दुल्लागंज, ठीक है? इसके पास में रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। एब्सोल्युटली राइट सुल्तान, स्नेहाशीष, आशु, सुरेन, एवरीवन। ये तो कुछ 110% से भी ज्यादा हो गया, ठीक है? चलो आप गाइस, बहुत सारे नाम आ गए, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट, सो सॉरी, आई कैन नॉट टेक एवरी वंस नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पगोडास एट महाबलीपुरम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द गिवन 4 रूलर्स? जो पगोडास बने हैं महाबलीपुरम में, किसने बनाए हैं? चोलास, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, पल्लवाज या पांड्याज? यू हैव टू टेल आउट ऑफ द गिवन 4 किसने बनाए हैं। सो वी हैव आंसर्स कमिंग। आई थिंक भाविक हैज आंसर ए, ओके, विशाल हैज आंसर ए, सौरभ हैज आंसर ए, अर्पित हैज आंसर डी, अमूल्य हैज आंसर ए, ओके, विशाल हैज आंसर ए, शिखा हैज आंसर ए, सैंधिका हैज आंसर ए, अभिषेक हैज आंसर ए, अक्षय, पूजा, अतुल, सौंदर्य, सुल्तान, ऑलमोस्ट एवरी वन इज आंसरिंग ए, सर्वेश हैज आंसर ए, सुल्तान हैज आंसर ए, प्रसून हैज आंसर ए, ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस इसका पल्लवा डायनेस्टी, जो सिर्फ एक ने आंसर करा है, दो लोगों ने। वी हैव रजत एंड अर्पित, आई थिंक जिन्होंने सही मार्क करा है। इट इज द पल्लवा डायनेस्टी। किंग थे नरसिंह वर्मन 1, जिनके टाइम पे 5 रथ बनाए गए थे आदि ममलापुरम या महाबलीपुरम, जहां पे अब 7 रथ या पगोडास बन गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर इनका बढ़ गया था, क्लियर? तो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने ए आंसर करे, रिवाइज कर लो, द करेक्ट ऑप्शन इज पल्लवाज। अब आंसर सुन के वी हैव कम अक्रॉस चिराग, हितेश एंड के, जिन्होंने सी आंसर करा है। ऑन दैट नोट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला पीरियड? ये कल ही मैंने समझाई थी इमेज, आई एम होपिंग ये ब्रॉन्ज इमेज में गलती नहीं करेंगे आप लोग। मुरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर, विष्णु, आउट ऑफ द गिवन 4 सबसे फेमस ब्रॉन्ज इमेज कौन सी है चोला पीरियड की? ये तो आई थिंक आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। सो भाविक, शिखा, सौरभ, चिराग, सौरभ, ऑलमोस्ट एवरी वन हैज आंसर बी फॉर दिस वन। अर्पित हैज आंसर बी, पूजा हैज आंसर दी बी, ओके, नो, दैट वॉज पल्लवाज ओनली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बोले वो पल्लवाज ही था। दिस इज 100% करेक्ट पोल, इसमें सब नटराज आंसर कर रहे हैं। सो बी इज द करेक्ट वन, नटराज। कमलेश, सुल्तान, रमा, एवरी वन हैज आंसर बी फॉर दिस वन। परफेक्ट गाइज, हनुमान हैज आंसर बी। सो चोला आर्ट में सबसे फेमस है मोस्ट डिवाइन इमेज जो था, दैट वॉज नटराज द डिवाइन डांसर, जहाँ पे शिवा हैज बीन इनंसिएटेड, या उनको ही हैज बीन शोन एज अ कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ही इज डूइंग रादर, ही इज डांसिंग अ कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ओके? सो वन मोर क्वेश्चन आई थिंक आई हैव इन द MCQs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फेमस मुखेश्वर टेम्पल एंड अनंत वसुदेव टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है आउट ऑफ द गिवन 4, ठीक है? केरला, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, इन 4 जगहों में से मुखेश्वर टेम्पल और अनंत वसुदेव टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, फटाफट से बता दीजिए। देवेश, टेलीग्राम लिंक क्लास के बाद, जस्ट स्टे इन द क्लास फॉर 2 मोर मिनट्स, वंस आई एम थ्रू विद द क्लास मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। टीम अभी कमेंट्स में पिन कर रही होगी लिंक, तो आपको वहां पे पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगा सेशन का, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्किप, बहुत सारे लोग बी ए डी सब कर रहे हैं। फॉर ऑल द पीपल हुव आंसर्ड डी, डी इज द करेक्ट वन गाइज, इट्स उड़ीसा, ठीक है? मुखेश्वर टेम्पल, अनंत वसुदेव टेम्पल, ये लोकेटेड है उड़ीसा में,
ठीक है, अनंत वसुदेव टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा हु वॉज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, और भुवनेश्वर में लोकेटेड है. और मुक्तेश्वर टेम्पल जो है दैट इज लोकेटेड टू लॉर्ड शिवा, अगेन इन भुवनेश्वर, जहाँ पे ओरियन आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. ओरियन आर्किटेक्चर मैंने बताया भी था, दिस इज द स्टाइल ऑफ नागाड़ा स्कूल, तो भूलना मत. जहाँ पे प्रोमिनेंस दिया जाता है जो रथ होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है, जो डेटीज के वाहन होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है. क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं पे कोई भी डाउट? एब्सोल्यूटली राइट गाइज, डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस वन. ठीक है, ऑन दैट पार्ट आई एब्सोल्यूटली अग्री विद यू. वेल वेल सेड, वेल सेड. सो दिस वॉज द होल चैप्टर फ्रॉम माई साइड. आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है. पांच में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया था. ठीक है, कल वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर. यहां तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया एक बार बता दो? एब्सोल्युटली राइट, बोले इट्स उड़ीसा फॉर द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है गाइज, आई हैव टू क्लासेज ऑन YT दैट आई टेक. पहला क्लास होता है मॉर्निंग में 11:45 AM, जो कि हम लोगों का करंट अफेयर का MCQ क्लास होता है. ठीक है, दूसरा क्लास होता है हम लोगों का एट 8 PM, विच इज द YT क्लास ऑन आर्ट एंड कल्चर. ये फिक्स क्लास टाइमिंग है, ये चेंज नहीं होते. सातों दिन हफ्ते में मैं ये वाले क्लासेस लेती हूँ. ठीक है, क्लियर सबको? परफेक्ट, परफेक्ट. नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा गाइज वो 9 बजे होगा. नेक्स्ट क्लास विशाल, अभी नहीं, अभी ना सच में स्केड्यूल फिक्स्ड है. आई थिंक 15 अप्रैल तक वी हैव ये वाले सेशन. 15 के बाद मैं 2 दिन MCQ क्लास ले लूंगी पक्का, या फिर जो कल का क्लास होगा मैं उसमें कुछ कुछ MCQs ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी. आई हेल्प यू विद दैट पार्ट. ठीक है, सो गाइज द नेक्स्ट क्लास इज एट 9 PM. फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास होगा, जहाँ पे आज हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे, स्पेशली द कोइपेंस क्लासिफिकेशन, किस तरीके से डिस्टिंक्शन आता है, डिविजन आता है या क्लासिफिकेशन है. ठीक है, हाँ अर्पित, कल होगी 1 PM क्लास. कल वील हैव ऑल द 5 क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव. एंड कॉम्बैट से लेकर जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन करे हैं वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लीज डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक्स उठा लेना. यूजर आईडी डिस्ट्रक्शन, अब ऑलरेडी डन स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट थ्राइस, 2 बार स्पेशल क्लासेस पे हो गया, एक बार इस चैनल पे भी हो गया. वी माइट प्लान समथिंग ऑन स्पेक्ट्रम इन द कमिंग मंथ, नॉट श्योर. मिडीवल तो आने वाला है वेरी सून, आई टेक स्पेशल क्लासेस ऑन मिडीवल इंडिया. ठीक है, Also, please like this video, share it as much as you can, and subscribe to the Articulate channel. So, I'll take your leave. 9 baje wali class mein milte hain. Please have your dinners. 10-15 minute ka break lo, pani wani piyo, have coffee, do not sleep. See you all at 9 PM. Theek hai? Thank you so much, everyone. Have a wonderful day ahead.